नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। भरतपुर से हमारे संवाददाता सतीश कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों से की गई बात। भवनाथपुर सेल प्रबंधन द्वारा सिंदुरिया पंचायत के प्रधानमंत्री आवास बनाने को लेकर एनओसी नहीं देने के बाद उपायुक्त के निर्देश पर एसडीओ आलोक कुमार के मौजूदगी में बोड़गावा स्कूल पर ग्राम सभा किया गया। ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास के लाभुक मनु चौहान, विशंभर लोहार, प्रेमनी देवी, राजेश अररिया, सुनेश्वर अगरिया, आशीष भुइयां, रामेश्वर बियार सहित कईयों ने एसडीओ के सामने कहा कि सरकार जहां भी जमीन देगी हम वहां प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। आम सभा में ही एक लाभुक कुलदीप शाह का सरकारी नौकरी और पक्का मकान होने की बात पुष्टि होने पर एसडीओ ने बीडीओ को प्रधानमंत्री आवास से नाम हटाने का निर्देश दिया। वहीं विस्थापित दुदुली शाह, सविता पाठक, दीपक जायसवाल, सनीचर अगरिया, हेमंती देवी, भरत शाह, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, मोहन शाह सहित कई विस्थापितों ने ग्राम सभा में विरोध करते हुए कहा कि सरकार आवास बनाए, जहां पर गर्मा जरूर जमीन है वहां हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुड़गांव और घाघरा में हम लोगों की जमीन है। अगर हम लोगों की जमीन में सरकार आवास बनाती है तो हम लोग उस पर आंदोलन करने पर बाध होंगे। क्या कहते हैं एसडीओ? एसडीओ आलोक कुमार ने कहा कि सेल जमीन में जो लोग रह रहे हैं उनका प्रधानमंत्री आवास की सूची में नाम है और उनको सेल प्रबंधन द्वारा आवास बनाने पर आपत्ति जाहिर की है। इसके बाद सरकार ने घघरा, घरघरा या गोरगावा में जमीन उपलब्ध कराएगी, जहां पर सभी लाभुक अपना आवास बना सकेंगे, जिसे सभी ने सहमति दी। आम सभा में बीडीओ मुकेश मछुआ, मुखिया राजेश गुप्ता, पंचायत सेवक सतीश सिंह, हल्का कर्मचारी गौरव कुमार, प्रधानमंत्री आवास कोऑर्डिनेटर सिराज अहमद, प्रधानमंत्री आवास कंप्यूटर ऑपरेटर अशोक कुमार, बीडीसी मीना देवी, थाना प्रभारी सतीश महतो, एसआई सहदेव शाह, जितेंद्र पासवान, सुबोध कांत पाठक, विजय जसवाल इत्यादि काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्राम सभा है बेसिकली इसलिए कराया गया, भवनाथपुर प्रखंड के अंतर्गत जो सेल की जमीन है यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको आवास आवंटित हुआ है, बट सेल ने उस जमीन पे आपत्ति जाहिर की है कि वहाँ सेल एग्री नहीं कर रहा है आवास बनाने के लिए। इसलिए माननीय उपायुक्त महोदय से निर्देश था कि एक ग्राम सभा करा के लोगों का डिसीजन लिया जाए वेदर अगर हम लोग वो आवास घाघरा या गुड़गांव में दे रहे हैं तो वो लाभुक अगर वो आवास वहाँ लेना चाहते हैं तो हम लोग उनको वहाँ पे जमीन के साथ आवास दिलाएंगे, अगर नहीं लेना चाहते तो रिमांड हो जाएगा, मतलब रद्द हो जाएगा। उन लोग का आवास बना के मिलेगा कि अपने जमीन मिलेगा और सरकार की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास बनाना होगा जो सरकार पैसा देती है। ठीक है सर, थैंक। तो इसी रिस्पेक्ट में यहाँ ग्राम सभा कराया गया और बेसिकली मोटा मोटी ये समझ में आ रहा है कि सब लोग सहमत हैं वहाँ जाने के लिए, सारे लोग साथ में, तो हम लोग इससे रिगार्डिंग जो प्रोसीडिंग है बना के माननीय उपायुक्त महोदय को सौंपेंगे, उसके आगे जो भी कार्रवाई होगी सरकार करेगी और जल्दी से जल्दी इन लोगों को लाभ देने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक।